यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही यूपी विधानसभा में मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निंदा प्रस्ताव की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकरा दिया। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं सपा विधायक और लोकसभा प्रभारी रविदास मल्होत्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं एमकेएन न्यूज से खास बात करते हुए विधायक रविदास मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद है विधानसभा में और विधानसभा का सत्र का आज पहला दिन है। इस समय हमारे साथ मौजूद है रविदास मल्होत्रा जो कि लखनऊ मध्य से विधायक हैं सपा के। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। जब आज आपके जो कार्यकर्ता हैं वो टमाटर पहन के सत्र में पहुंचे और विधान परिषद की जो है कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? लगातार उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, टमाटर 260 रुपए किलो बिक रहा है और सरकार कम महंगे दाम पर टमाटर तो बेच रही है, लेकिन टमाटर को बेचने के लिए वहाँ पुलिस लगी हुई है, वहाँ मारपीट हो रही है और दूर दूर से लोग टमाटर लेने आ रहे हैं। ये सरकार का फेलियोर है। लगातार महंगाई से जनता परेशान है और इसलिए हम लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर लेकर के आज यहाँ पर संघर्ष करने का काम किया। दूसरा, पूरे प्रदेश में बहन और बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अपराध की घटनाओं में बेताशा वृद्धि हुई है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और मणिपुर में 4 मई को 5 बहनों को निवस्त करके कई घंटे उनको घुमाया गया, फिर सामूहिक रूप से उनसे बलात्कार किया गया, फिर एक बहन के साथ इतना बलात्कार हुआ कि उसकी मौत हो गई और एक जो बहन थी उसका पति कारगिल युद्ध का योद्धा था, पूर्व सैनिक था, जिसने देश की रक्षा करी वो अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया और उसके सामने दरिंदे उसकी पत्नी से बलात्कार कर रहे थे। ये पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार वाली घटना है। एक बहन के साथ बलात्कार हो रहा था, उसका भाई रोकने आया तो उसके भाई के सरेआम गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और मणिपुर में 20 सड़क के ऊपर बहनों के साथ बलात्कार हुआ और दुर्भाग्य की बात यह है कि 2 महीने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, निंदा करने का कोई काम नहीं किया है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो आम घटना है, ये पूरे देश की महिलाओं के साथ अपमान है और इस दरंदगी की, इस जो हैवानियत का काम हुआ है, इसकी हम लोगों ने निंदा करने का प्रस्ताव पारित करने को मांग किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोगों ने कहा चर्चा ना करिए, लेकिन हमने लिख करके 311 के तहत जो ये कहा कि इस पर आप निंदा प्रस्ताव कर दीजिए, लेकिन 2 लाइन के निंदा प्रस्ताव करने को भी तैयार नहीं है, इसलिए हम लोगों ने आज विरोध किया। हमारी मांग थी कि केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा मणिपुर की हिंसा और महिलाओं से घटना की निंदा करती है, ये मांग थी हम लोगों की। इस मांग को भी उन्होंने नहीं पूरा किया। जब आज विधान परिषद की कार्यवाही रुक गई है, स्थगित करा दी गई है, वहाँ पे जो है आपके कार्यकर्ताओं ने जो है धरना दिया, तो कल की क्या प्लानिंग है? कल विधानसभा सत्र में आप कौन से सवाल उठाने वाले? हम लोग कल भी जो है सरकार को घेरेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर निकलती है कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री ने तमाम बयान दिए और मेरठ में 15 लोग बिजली करंट लगने से मृत्यु उनकी हो गई, ऐसे पूरे प्रदेश भर के अंदर 25 से अधिक कांवड़ियों की मौत हुई। तो हम लोगों की ये मांग कल होगी कि जो कांवड़िया शहीद हुए हैं उन लोगों के परिवार को एक कम से कम नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। और इसके अलावा जो सरकार का दमन जुल्म अन्याय चल रहा है, जो महंगाई है उसके मुद्दों को लेकर के, किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के हम विधानसभा के अंदर संघर्ष आंदोलन करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि सड़क से लेकर के और सदन के अंदर तक हम लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मल्होत्रा जो कि बहुत ही संघर्ष नेता हैं, ये करीब 270 बार जेल भी जा चुके हैं। इस तरह से इन्होंने बताया कि आज जैसे विधान परिषद की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया क्योंकि समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर धरना दिया और उसको तुरंत स्थगित कर दिया गया विधान परिषद को। इसी तरीके से विधानसभा का जो सदन चल रहा है इसमें भी इन्होंने कई मुद्दे उठाए, मणिपुर का मुद्दा उठाया और टमाटर का मुद्दा उठाया और कल भी ये सरकार को पूरे घेरने के मामले में है, जो कांवड़ियों के साथ दुर्घटना हुई उसके घेरने के मामले में। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।